डीजल आपको मैंने बताया ठंडा होके आ रहा है, ये पाइप ये आ रही है सीधी। अच्छा, इसमें ठंडा डीजल जा रहा है। 187.6 ग्राम जो है पर एचपी के हिसाब से एसएफसी है ट्रैक्टर की। ये आती है इंटरनेशनल लुक, कंपनी वाले ये कहते हैं कि इसकी जो तकनीकी नंबर वन होने वाली है। लोग यही कहते हैं कि जॉन डीयर ट्रैक्टर जो होता है पीटीओ का राजा होता है। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं पाल भाई हमारे, और ये मेरे चैनल का नाम है एम ढिल्लों व्लॉग्स। आज हम सोचा हमने कि भी दोनों भाई मिलके वीडियो बनाएंगे जी, ठीक है दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताना दीजिए, फिर आने वाले समय में और वीडियो भी हम बनाए करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। तो हमारे किसान भाइयों को बताएं, भाइयों ने ट्रैक्टर तो बहुत देखे हैं। हाँ जी हाँ जी। और जो जॉन डीयर कंपनी है जी, जी सबसे पहले ट्रैक्टर लेके यही आई थी ना जी। बिल्कुल, तो तकनीकी मामले में इससे आए कोई कंपनी नहीं है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आज की वीडियो हमारे भाइयों कितने मॉडल दिखाओगे आप? आज हम आपको दिखाते हैं जी तीन मॉडल हैं जो कि नई टेक्निक में आए हैं। सीआरडीआई इंजन है। अच्छा, सीआरडीआई तो वैसे सभी ट्रैक्टर कंपनियां जो है वो कहती हैं, लेकिन जॉन डीयर का कहना ये है एचपी सीआर है। अच्छा, इनका जी हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है, ये जॉन डीयर का कहना है कि हमारी टेक्नोलॉजी अलग है। अच्छा, अगर हम यहाँ प्लेट की बात कर लेते हैं अगर एसएफसी की, तो 187.6 ग्राम जो है पर एचपी के हिसाब से एसएफसी है ट्रैक्टर की, और इसकी 51 HP की पीटीओ पावर है। अच्छा, ये 53 ट्रैक्टर कितने एचपी में है वैसे? ये 57 HP, पहले 55 में था। ये पहले 55 में आया करता था जब इनलाइन पंप होता था इसका, जब से ये सीआरडीआई में आया ये 57 HP हो गया अब। अच्छा, ठीक है जी। बाकी इसकी पीटीओ पावर भी बढ़ाई है? पीटीओ पावर भी बढ़ गई है जी पहले से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितने भी सीआरडीआई ट्रैक्टर है सभी की पीटीओ पावर क्यों बढ़ाई कंपनी ने? सर ऐसा है जी, जब इंजन की पावर बढ़ेगी तो पीटीओ पावर भी तो बढ़ेगी साथ में ना, बस वही है समझ लो। अच्छा, बाकी इसका जो फ्रंट एक्सल है ये करारो का या फिर जॉन डीयर खुद बनाती है? नहीं, ये जॉन डीयर जो है ये डायना कंपनी से लेते हैं। अच्छा, बाकी मुझे एक बात बताओ जी, ये जो ट्रैक्टर है देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, सीआरडीआई है। हाँ, तो एलईडी इसमें लाइटें दी गई हैं जी जी। बाकी पीटीओ पावर आपने बताई, पीटीओ पावर बढ़ गई। अच्छा, इंजन में क्या क्या बदलाव किया है कंपनी ने? दोस्तों भाई अगर हम बात करें सबसे पहले शो की, अच्छा तो ऐसा है जो पहला लुक आता था वो दूसरा अपना सिर्फ इंडिया में था। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला जो लुक है ये आती है इंटरनेशनल लुक है। अच्छा, और विदेशों में जाते हैं वो इस तरह के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत खूबसूरत कर दिया है। और अगर बात करें इंजन में बदलाव की, तो सीसी तो जॉन डीयर की 30 से लेकर 75 तक वही 2900 CC है। अच्छा, लेकिन सिर्फ इसकी जो पावर है वो 55 से 57 HP करती है, बाकी जो है वो लगभग कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है गियर प्रो जी जी, इसका क्या मतलब होने वाला है? गियर प्रो का जी पहले एबीसी आते थे, तीन गियर आते थे हाईलो वाले जो इस तरफ आते थे लेफ्ट साइड के। अच्छा, अब एबीसीडी हो गए जी, एक गियर बढ़ गया है। हाईलो मीडियम? हाँ, हाईलो मीडियम आता था पहले। अच्छा, अब एबीसीडी, अब चार गियर हो गए। अच्छा जी। हाँ, इसका मतलब प्रो का एक और बढ़ा के कर दिया, मतलब एक गियर की चार स्पीड मिलेगी। हाँ, अच्छा, आईफोन में आपने देखा जी जो दो कैमरे वाला होता है वो 11 होता है, जो प्रो होता है उसमें 3 होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज समझ लो। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी अच्छा, ये जो ट्रैक्टर है जॉन डीयर, किसान भाई और कंपनी वाले ये कहते हैं कि इसकी जो तकनीकी नंबर वन होने वाली है। नंबर वन है ही, अभी ज्यादातर आपने देखा ही होगा अभी जॉन डीयर की जो सेल है बहुत बढ़िया जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ ना यहाँ पर V1, ये कई भाई मेरे को भी कमेंट करते थे कि यार ये V1 क्या है, ये वर्जन होता है जैसे ये यहाँ पर, जैसे मानो सीआरडीए का पहला ट्रैक्टर है ये। अच्छा, पहला है तो V1 है, अगर आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव करके आएगा तो फिर ये V2 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी इनका जो पिछला हिस्सा जॉन डीयर के जितने भी ट्रैक्टर होते सभी आपको प्लेनेटरी ड्राइव में मिलेंगे। जॉन डीयर के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सब आपको प्लेनेटरी में ही मिलेंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है प्लेनेटरी का वैसे? इसका फायदा ये होता है जी, आम ट्रैक्टरों के जो गियर होते हैं वो अंदर होते हैं आगे की तरफ। अच्छा, लेकिन इसके एक में होते हैं, क्या होता है जी, छोटा गियर अंदर चलता है, बाहर इसके स्टार जैसे 3 और घूमते हैं, जिससे क्या होता है ट्रैक्टर जोर बहुत बढ़िया मारता है। अच्छा, हाँ ये चीज है, ब्रेके भी इसके अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे? हाँ जी, हमने देखा है बहुत, मतलब मोस्टली जो ट्रैक्टर होते हैं सभी का जो फ्यूल टैंक होता है आगे होता है इंजन के पास में होता है, इसका फ्यूल टैंक पीछे क्यों होता है भैया? इसका फ्यूल टैंक इसलिए पीछे होता है जी, कंपनी का मानना यह है कि भी इंजन की हीट से डीजल गर्म हो जाता है। अच्छा, तो फिर गर्म डीजल जो है जलता नहीं है बढ़िया, ये पीछे रहता है, ये ठंडा रहता है। इवन क्या होता है जी, जो जो ये ट्रैक्टर सीआरडीआई है इनमें डीजल ठंडा करने के लिए कूलर भी लगा दिया आगे। अच्छा, कि ठंडा रहे और सही जलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी भाई उसमें टर्बो मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, टर्बो EGR वाल्व दोनों मिलेगा। अच्छा, डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं? हाँ। अच्छा, जैसे इसकी जो लिफ्ट है, हाँ जी हाँ जी, लिफ्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे भाइयों को जरा? लिफ्ट पहले से बड़ी है, 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल, सभी मॉडलों के अलग अलग हिसाब से है। जैसे इसकी पहले 2000 की थी तो 22 क्विंटल हो गई है। अच्छा, 5405 की पहले 2200 थी वो हो गई है अपनी 24 क्विंटल की। अच्छा, और उधर जो 75 की 25 क्विंटल की है, इसी अलग अलग हुई है, बढ़ गई है सब। बिल्कुल। हाँ भैया, मुझे एक बात बताएंगे? जी जी। मोस्टली लोग यही कहते हैं जॉन डीयर ट्रैक्टर जो होता है पीटीओ का राजा होता है। जी जी। तो क्या ये बात सही होने वाली है? ये बिल्कुल सही बात है, इसमें है मतलब बिल्कुल सही है जी, पीटीओ का जोर दूसरों से कुछ ज्यादा होता है इसका, पीटीओ पावर जैसे ना थोड़ा सा ज्यादा होती है। अच्छा, गियरों में फर्क समझ लो या जैसे मर्जी भी
जैसे 540 और 540 इकोनॉमी दो स्पीड इसमें आती है। अच्छा, बाकी ट्रैक्टरों में मल्टी स्पीड आ जाती है या गियरों में पीटी आ जाती है। अच्छा, इसमें दो ही स्पीड आती है, ज्यादा जरूरत भी उनकी ही होती है लगभग। नहीं, रीपर पे सब लोग यही बोलते हैं कि जॉन डीयर ट्रैक्टर ज्यादा टिकता है, इंजन की लाइफ ज्यादा होती है, रीपर पे ज्यादा लाइफ इसकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बाहर की अगर मॉडल है, अगर ब्रांड है तो फर्क तो हो गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे ये ट्रैक्टर CIDI में आ गए तो इनका फ्यूल खर्चा बढ़ गया फिर कम हो गया? फ्यूल का खर्चा इनका कम हो गया पहले से। अच्छा, कम इसलिए हो गया कि जो इसकी जो पंप होता था ना पहले वाला, अच्छा वो पहले वाला जो पंप होता था उसमें क्या रहता था, जो उसका जो प्रेशर होता था वो कम होता था। अच्छा जी, वो आप मान के चलो जी 100 से 125 PSI का होता था जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो PSI नहीं, बार कह सकते हैं। अच्छा हाँ, बार होती है, PSI फिर कम में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें क्या रखा है, कम से कम 25 से 30% प्रेशर बढ़ गया है। अच्छा, जब फुहारा जोर से पड़ेगा तो वो जल्दी जलेगा। अच्छा, समझ गया ना, तो वही चीज है, ज्यादा जलेगा तो उसमें क्या चक्कर है, अभी इसका जो डीजल खर्च कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो हाँ। अच्छा भैया मुझे एक बात और बताओ, जैसे ये जो ट्रैक्टर है वो 05, आज के समय में किसान भाई से बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, तो इसमें जैसे ये पावर स्टीयरिंग पंप, हाइड्रोलिक पंप दोनों अलग अलग है ना, एक ही लाइन में है? अच्छा, एक ही लाइन। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर बाई चांस क्या रहता जी, जैसे ये सेंटर में गियर होता है ना। अच्छा, इसी कई ट्रैक्टरों का रहता है ये कि यहाँ एक आगे है, अगर एक खराब होता है एक डल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है ये कि दोनों अगर एक खराब होगा डलेंगे दोनों ही। अच्छा, थोड़ी सी वैसा ना, कोई भी चीज है उसमें कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज भी होते ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये कंपनी को वैसे बदलाव करना चाहिए। पता नहीं, मेरे ख्याल से अब आगे उनकी मर्जी है, कोई जगह की कमी है क्या चक्कर है, बाकी देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बाकी भाइयों आपको पता है ये सब मॉडल आपको टू व्हील ड्राइव में मिल जाएंगे। हाँ, इसमें चाबी वाला लॉक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, चोरी वगैरह का खतरा जो एक तो वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और इसकी जो बैटरी वगैरह वो भी आगे आ जाती है, इसका वजन का काम भी कर लेती है और चोरी से बची रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये क्या लगा हुआ है भैया? ये ऐसा है जी, इसमें तीन तरह का सिस्टम जो इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, ये है जी डीजल कूलर, डीजल जो ठंडा होता है इससे। अच्छा, ये जो पाइप है यहाँ से ठंडा हो जाता है अपना गियर बॉक्स का ऑयल जो है। अच्छा जी हाँ, वो भी ठंडा होता है। और इसमें ये जो बड़ा सा लगा, ये टर्बो का इंटरकूलर है। अच्छा जी, क्या फर्क पड़ता है जी, जो गर्म हवा निकलती, गर्म गैसेज होती है जो ठंडी होकर अंदर फिर वापिस चली जाती है इंजन में एयर क्लीनर की तरफ से, जो कि पावर फिर बढ़ती है उससे। बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ, और ये हमारा जो ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है। ड्राई टाइप? हाँ, ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है विद चोकिंग सेंसर के साथ है, ये सेंसर है इसका। अच्छा, बाई चांस आपका इसमें कोई कबाड़ आ जाता तो इंडिकेशन मीटर में दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी। बाकी ये जो ट्रैक्टर, इसमें डबल गैस्केट मिलते हैं? डबल गैस्केट है, फाइबर का हुड है, गलने वलने का चक्कर कोई नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरफ्लो है, ये रिजर्वायर लगा हुआ है, अगर बाई चांस आपका कम हो जाए तो अपने आप भर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे जरा। ये जी, ये जो है जी, ये EGR वाल कहते हैं। अच्छा, ये जो गर्म हवा जोर से निकलती है ना। अच्छा, उसको ठंडा करके इसके ऐसा होता है जी, ये पाइप और ये पाइप, इसमें सीधी पाइप है, यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से निकलता है, इसके बाहर बाहर पानी घूमता रहता है जिससे ठंडा रहती है। बिल्कुल, ये फिर चली जाती है इंजन में रिसाइकल होकर। अच्छा जी, ये टर्बो लगी हुई है? ये टर्बो है इसमें, ये हाँ भाई लगभग 65 नंबर के आसपास की, 65 नंबर टर्बो आती है। भैया थोड़ा इसके पंप के बारे में बताएंगे, पंप कहाँ है इसका भैया? भैया जैसा ऐसा था कि पहले जो आते थे ना, अच्छा काफी बड़ा दिखाई देता था यहाँ पे ऐसे। अच्छा जी, इसमें नहीं है, इसमें ये छोटा सा बिल्कुल एक ही पाइप है। अच्छा जी, ठीक है जी। ये जो डीजल आपको मैंने बताया ठंडा होके आ रहा है, ये पाइप ये आ रही है सीधी। अच्छा, इसमें ठंडा डीजल जा रहा है और सीधा कॉमन रेल में जा रहा है। कॉमन रेल का मतलब होता है पाइप जैसी होती है। बिल्कुल, उसमें एक जाती है, तीनों में वो जाती है अलग, तीन सिलेंडर इंजन है। अच्छा, एक दिन एक भाई मेरे को कह रहा जी ये तो एक सिलेंडर है, यहाँ से देख के ना एक ही पाइप है, सिलेंडर एक ही होगा। अच्छा, लेकिन एक नहीं है जी, यहाँ से जाके तीन जगह में बट जाता सिलेंडर, इसके तीन है, तीन पिस्टन जी। अच्छा, बाकी इसमें हीट गार्ड भी मिलते हैं? हीट गार्ड दोनों तरफ है। अच्छा अच्छा, ये जो ट्रैक्टर है इसमें सस्पेंडर वाले क्लच पैडल मिलते हैं? इसमें सस्पेंडर कार जैसे होते हैं, ये मुलायम चलते हैं, बहुत मुलायम चलते हैं। इसका स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल होने वाला है? एडजस्टेबल है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल, कैसे करके दिखाओगे? लाओ जी मैं दिखाता हूँ आपको जी। ये थोड़ा सा यहाँ से अच्छा, इसको ऐसे करके ऊपर हो जाता है। अच्छा, अगर पेट मोटा किसी का तो वो इसको आगे कर ले, नहीं तो फिर वो अपने हिसाब से इसको पीछे कर ले, यहाँ तक आ जाता है। बिल्कुल जी, और क्या थोड़ा बहुत और आ जाएगा, यहाँ तक आ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो ड्राइवर को बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है इस ट्रैक्टर में, हिसाब से इतना मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, सीट वगैरह कैसी है भैया? सीट बहुत बढ़िया, देखो जी कितनी मुलायम सीटें, आर्मरेस्ट लगे हुए हैं। कितना वेट है आपका? वेट मेरा है 80 के आसपास। तो मजा आ रहा चलाते हुए? बिल्कुल जी बिल्कुल, एडजस्टेबल है जी, 120 किलो तक एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा भैया मुझे एक बात बताओ जी, आने वाला समय जो है इन ट्रैक्टर का होने वाला है CIDI का? देखो जी, CIDI और 4x4 का। अच्छा, आप ये समझ लो कि जैसे धान की खेती होती है, टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्या कहता है, उसमें स्लिप मारता रहता है। अच्छा, और इसका क्या रहता है जी, चारों पे जोर लगाते हैं, भागा फिरता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो किसान भाई हैं, हाँ जी, तो वो थोड़ा डरते हैं कि CIDI ट्रैक्टर में मेंटेनेंस ज्यादा होगा जी, ठीक है। हाँ, तो क्या ये बात सही है कि मेंटेनेंस ज्यादा होगा इन ट्रैक्टरों में?
नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ इसकी, जैसे ये चीजें है ना। अच्छा, यहाँ पर इधर आ जाओ जरा, जैसे ये हो गया, ये कोई सेंसर वगैरह, एक ये हो गया, ये अंदर आ गया, एक ये ऊपर है। अच्छा, यहाँ तक ट्रैक्टर पहली बार डूबता ही नहीं है। अच्छा ठीक है जी, अगर बाई चांस पानी बहुत आया तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर कंपनी ने ये बात कही है कि सब वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पर जैसे ये रेस है। अच्छा, ये देखो कितनी मुलायम है, उंगली से लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये चक्कर है जी, इसमें कोई तार वार नहीं होती है। अच्छा, बड़ी तार जो डायरेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है सारा, बिल्कुल करंट वाली तार जैसी वो तार लगी हुई है, बस इसको दबाना यहाँ से चल गया। कई ट्रैक्टरों का आगे लगा होता है इसका, ये भी कितना ऊंचा है, ये कम से कम भी 500 mm होगा लगभग, मेरे हिसाब से 2.5 फुट तो 2 तो है ही है, तो यहाँ तक पानी वैसे भी जल्दी नहीं आता। बिल्कुल, तो सेंसर वाली बात है जी, वो कोई जो मर्जी कहता रहा, लेकिन जल्दी खराब नहीं होते, ऐसी बात। अच्छा, ये 75 HP का ट्रैक्टर होने वाला है जी। जी अच्छा जी, तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये 75 HP का है। ई का क्या मतलब होने वाला है? ये वर्जन होते हैं इनके हिसाब से, ये फिलहाल अपने यहाँ इंडिया में ई ही है। अच्छा, अभी नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो किसान भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको जॉन डीयर कंपनी के 3 मॉडल दिखाए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।